मॉर्निंग स्टूडेंट, चैप्टर 3 लेजी जॉन की ग्रामर चार्ट हम लोग कल लास्ट वीडियो में हमने ग्रामर चार्ट बना लिया है। इसके वर्ड बैंक भी कर चुके हैं हम लोग, कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर 3 लेजी जॉन की क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक ओपन कीजिए, उसमें चैप्टर 3 लेजी जॉन मैंशन कीजिए, क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग हेडिंग मैंशन कीजिए। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है What had John done the whole the morning? तो John पूरी morning, पूरा दिन क्या करता रहता था? Answer, John had slept the whole morning. John पूरी morning सोता रहता था। Next, why did John mother call him a lazy boy? John की मम्मा उसको lazy boy क्यों कहती थी? Because, answer है, because John's mother was trying to work up him but he was sleeping again. जॉन की मदर चाहती थी कि वो काम करे पर वह पूरा दिन सोता रहता था। नेक्स्ट है आपका व्हाट डिड द मदर आस्क जॉन टू डू, मदर ने मतलब मम्मा ने जॉन को क्या करने के लिए कहा था? आंसर, सी आस्क्ड जॉन टू डू द मार्केट, गो टू द मार्केट एंड बाय सम साल्ट एंड फाइव लाइफ क्रैब। जॉन की मदर ने जॉन से कहा कि तुम बाजार जाओ और कुछ नमक और 5 जिंदा केकड़े खरीद कर लेकर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिड जॉन मीट व्हेन ही वॉज पासिंग बाय द रिवर बैंक, जॉन को कौन मिला जब जॉन रिवर बैंक मतलब नदी किनारे के यहाँ से निकल रहा था, तो जॉन को कौन मिला था? आंसर, जॉन फ्रेंड्स मेट हिम व्हेन ही वॉज पासिंग बाय द रिवर बैंक, जॉन के फ्रेंड मिले उसे जब वह नदी पर किनारे के पास से निकल रहा था। नेक्स्ट, व्हाट डिड जॉन डू टू द क्रैब एंड द साल्ट बिफोर ही स्टार्टेड प्लेइंग, जॉन ने खेलना शुरू करने के पहले जो उसके पास नमक और केकड़े थे उनके साथ क्या किया था? सो आंसर है हमारा, John told the crabs about the way of his house and put the bag of the salt in the river. तो John ने क्या किया था? John told the crabs. John ने केकड़ों से कहा कि तुम घर के रास्ते पर जाओ और घर पहुँच जाओ, और बैग को कहाँ रख दिया था? नदी में रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Why was The mother angry when John reached home? जब John घर पहुँचा तो मम्मा गुस्सा क्यों हो रही थी? John returned home without the bag of salt and the five life scraps. So his mother got anger. क्योंकि John जब घर वापस पहुँचा किसके बिना पहुँचा था वो? ना तो उसके पास नमक था और ना ही उसके पास 5 जिंदा केकड़े थे, वो खाली हाथ घर गया था। यह देख के उसकी मम्मा को गुस्सा आ गया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स टू द साल्ट एंड द क्रैब्स, आप क्या सोचेंगे क्या हुआ होगा साल्ट और क्रैब के साथ? जॉन वॉज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लेजी, जॉन इंटेलिजेंट ही नहीं था बल्कि वह आलसी भी था। सो द साल्ट हैड बीन मिक्स इन टू द वाटर एंड द क्रैब हैड गॉन देयर ऑन वे, इसलिए ना उसने क्या किया, नमक का क्या हुआ होगा, नमक पानी में मिक्स हो गया होगा क्योंकि पानी में तो नमक घुल जाता है, डिसेबल रहता है। और क्रैब क्या, क्रैब को उसके रास्ते पर छोड़ दिया था तो वे अपने रास्ते चले गए होंगे। तो आज का होमवर्क है आपका, जो चैप्टर 3 की वर्ड बैंक है वो आपको नोटबुक में नोट करनी है, क्वेश्चन आंसर नोट करने हैं, और ग्रामर चार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ओके?